हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का ई पाठशाला के चैनल पर। मेरा नाम भारती है और मैं आप सभी को फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फिफ्थ करवाने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फोर्थ कंप्लीट कर लिया था। सो चैप्टर फिफ्थ का आज पार्ट वन होगा। चैप्टर का नेम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बारे में क्या क्या था वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी चैप्टर वन में। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर बच्चों का और वुमेन्स का, फीमेल्स का या औरतों का क्या पार्ट होता है स्पोर्ट्स में। सो होप सो आप सभी को वीडियो समझ आएगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कीजिए इन सारे हैंडल्स पर। इन सब के हैंडल्स आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फाइव। चैप्टर फाइव बेसिकली मैंने आपको नेम बताया चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले चिल्ड्रन के बारे में, तो हम शुरुआत करेंगे चिल्ड्रंस के कि आखिर चिल्ड्रंस के कैसे, उनका स्पोर्ट्स में कैसे योगदान होता है और बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा मोटर डेवलपमेंट, कि मोटर डेवलपमेंट क्या होती है। अब मोटर डेवलपमेंट से आप लोग ये मत समझिएगा कि कोई इसमें व्हीकल या फिर किसी मोटर के बारे में हम रिलेट करेंगे या फिर पढ़ेंगे। मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसमें जो बच्चों की मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, बच्चों की जैसे डेवलपमेंट होती है उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। मोटर डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द मूवमेंट एंड वेरियस मोटर एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टिल एंड। मोटर डेवलपमेंट बेसिकली डेवलपमेंट होती है जो भी बच्चों के अंदर मूवमेंट होती है और उनके अंदर जो भी मोटर एबिलिटीज़ होती है, जैसे चलना चलना फिरना खाना पीना, उनके बर्थ से लेकर डेथ तक, जब तक कि बच्चा, एक बच्चा पैदा होता है और जब तक वो इंसान मर नहीं जाता है, तब तक की सारी जो डेवलपमेंट होती हैं, बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, वो सारी क्या होती हैं, मोटर डेवलपमेंट्स होती हैं। सो हम पढ़ेंगे फोर स्टेजेस की मोटर डेवलपमेंट के आखिर फोर स्टेजेस होती क्या है और किन किन स्टेज में वो किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो इनकी स्टेजेस है, फोर स्टेजेस, सबसे पहले इन्फेंट इन्फेंटहुड, मतलब कि अगर कोई बच्चा जो है वो कितने साल से कितने साल तक है, 0 से 2 साल तक है, तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चेंजेस आएंगी वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इन्फेंटहुड में क्या होता है कि बच्चा जो है, इसमें जैसे लिखा है इन्फेंटहुड में कि 0 से, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ है तब से 2 साल तक, कई जगह इन्फेंटहुड जो होता है वो 0 से 12 मंथ्स तक भी होता है, मतलब कि जब तक बच्चा क्या 1 साल का नहीं हो जाता तब तक की चीज़ होती है। तो इन्फेंटहुड पे बेसिकली उसके जो भी टर्न्स हेड होते हैं, मतलब जैसे वो पलटना सीख और अपने मूव्स आर्म्स को एंड लेग्स को, आर्म्स और लेग्स है उन्हें जैसे मूव करता है वो बच्चा, और क्रॉल करता है जमीन पे, चलना मतलब रेंग रेंग के चलना सीखता है, और इसमें क्या खड़ा होना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इन्फेंटहुड में आती हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है फोर स्टेजेस में, वो है अर्ली चाइल्डहुड। कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या आता है, तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या है कि जैसे इसमें 2 से 6 साल लिखा है, तो ये 2 से 12 भी हो सकता है, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग वो लिखे होते हैं। मैंने आपकी वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ली है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन बुक में दी गई है, तो 2 से 6 साल उसमें लिखा गया था। बाकी जगह मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे 2 से 12 भी लिखा हुआ था। तो 2 से 12 साल या फिर 2 से 6 साल के बीच में जो भी बच्चा होता है वो क्या क्या चीज़ें करता है, वो सारी चीज़ें करता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चा जो है वो लोकोमोटर में एंड जो हार्विंग, मतलब स्टैंडिंग हैंडलिंग, चीज़ों को पकड़ना सीखता है, चीज़ों को उठाना सीखता है, खुद दौड़ना फिरना सीखता है, आई हेड कोऑर्डिनेशन करता है कि आँखों से या फिर चीज़ों को समझता है कि क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे उठानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं उठानी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। गेम्स विद सिंपल रूल्स, थोड़े थोड़े गेम्स खेलना सीखते हैं बच्चे, तो वो सारी चीज़ें किस में आती है, अर्ली चाइल्डहुड में। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, मिडल स्टेज। कि मिडल स्टेज में क्या होता है, मिडल स्टेज बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है 7 से 12, ये 6 से 10 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो मिडल चाइल्डहुड में क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे मोटर स्किल्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि फाइन FINE फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। तो बेसिकली फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं कि जब बच्चा क्या करता है, आँखों के साथ हाथों का कोऑर्डिनेशन करता है, जो हमने सेकंड में पढ़ा था ना, उसी का थोड़ा पार्ट इसमें भी है कि आँखों के साथ हाथों का कोऑर्डिनेशन करता है। लास्ट चैप्टर में हमने कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स पढ़े थे, तो इसमें कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ करता है वो, जैसे दिमाग से सोच समझ के क्या चीज़ों से करनी चाहिए। इसमें बच्चा इस वाली एज में बच्चा कोई भी चीज़ें कैच करना सीखता है, जंप करना सीखता है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ें फेंकना, थ्रो करना सीखता है, किक करना सीखता है, तो वो किस में सीखता है, मिडल चाइल्डहुड में सीखता है।
उसके बाद हमारा आता है लेट चाइल्डहुड कि 12 ईयर्स के बाद, 12 ईयर्स से 12 ईयर्स के बाद तक वो क्या चीज़ें सीखता है। तो उसमें जो होता है बच्चे की बेसिकली क्या होता है, मोटर स्किल्स क्या होती हैं परफेक्ट हो जाती हैं। मैंने आपको बताया कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है लेटर चाइल्डहुड में मोटर स्किल्स जो होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं हमारी डेवलप होती हैं, किसी भी बच्चे की डेवलप हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है वन सेट ऑफ प्यूबर्टी होता है, बिगनिंग ऑफ सेक्शुअल मेंस्ट्रुएशन होता है, और कंपटीशन होता है, प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्लान करनी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो होप्स आपको 4 स्टेजेस समझ आई हूँ मोटर डेवलपमेंट के। हम अब आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कितने टाइप्स की मोटर डेवलपमेंट होती है। तो टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट हमने पढ़ा कि मोटर डेवलपमेंट क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे कि उसके टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड है मोटर डेवलपमेंट, एक तो है ग्रॉस मतलब कि लार्ज मोटर स्किल्स, और एक है फाइन मोटर स्किल्स, मतलब फाइन का मतलब स्मॉल मोटर स्किल्स। सबसे पहले याद रखना है कि मोटर स्किल्स का मतलब है हमारी बॉडी की जो भी पोस्चर्स होते हैं, जो भी बॉडी की मूवमेंट होती है उनके अंदर इसका क्या योगदान होता है। तो वो जो लार्ज मोटर स्किल्स में आते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारी मसल्स, जो भी बॉडी की मसल्स होते हैं जैसे कि लेग्स, शोल्डर्स, ये सारी चीज़ों की मूवमेंट एंड इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल क्या है कि अगर बच्चा रनिंग करना सीख रहा है, जंपिंग करना सीख रहा है, किकिंग करना सीख रहा है, तो थ्रो करना सीख रहा है, जो हमने पढ़ा था 3rd स्टेज ऑफ इन्फेंट में, तो वो चीज़ें। और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं कि बच्चा क्या होता है उसकी जो स्मॉलर मसल्स होती हैं बॉडी की, उसमें जैसे फिंगर्स हैं, लेग्स हैं, या फिर जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें उसमें क्या होती हैं डेवलप होती हैं। इसके लिए क्या है कोई भी प्रिसाइज मूवमेंट्स है, जैसे कि लिखना सीखता है बच्चा, सीजर्स का यूज़ करना सीखता है, सुनने की आदत डालता है, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं फाइन मोटर स्किल्स में। तो आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मोटर डेवलपमेंट, वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो मोटर डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे बच्चों को देख रहे होंगे, इनमें क्या है बच्चों की अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए बच्चों को दिखाया गया है, एंड उनकी जो साइकोलॉजिकल थिंग होती है वो सही चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है टोन, कि टोन क्या होता है। कोई भी बच्चा आप देख रहे होंगे, कोई भी बच्चा जैसे पलटना सीखता है, अपने टोज पे चलना सीखता है, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी बच्चा है तो वो कोई भी चीज़ करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग होती है कि वो चलना फिरना सीखता है, उसके बाद कोई भी चीज़ स्टार्ट कर पाता है। तो टोन बेसिकली किस चीज़ से रेफर करता है, हमारे मसल्स से रिलेटेड है, ठीक है। टोन का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। तो टोन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे नॉर्मल बच्चा होता है कई बार वो हाइपोटोनिक हो जाता है, कि कोई चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, ठीक है, हाइपोटोनिक हो जाता है। कई बार क्या होता है उसे इंटरेस्ट नहीं आता, वो लेजी जैसा बैठा रहता है। तो ये सही चीज़ आती है हमारी टोन में कि किस तरीके से कौन से बच्चे को किस चीज़ की डेवलपमेंट दी जा रही है, ताकि उसका इंटरेस्ट बाकी की चीज़ों में बनता रहे। कहते हैं कि बच्चे उसी हिसाब से बड़े होते हैं जो उन्हें शिक्षा दी जाती है, और उसी हिसाब से फिर उनकी आगे की ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग में जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से उन्हें अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, ताकि उनका आगे का जो भी भविष्य हो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। सेकंड आता है हमारे स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ क्या होती है, तो बेसिकली स्ट्रेंथ रिफर्स करती है फोर्स ऑफ मसल्स से, ठीक है। जैसे फर्स्ट था ना कि सिर्फ टोन में क्या था कि मसल्स मूवमेंट, एंड मसल्स में क्या होता है, स्ट्रेंथ में क्या होता है कि फोर्स ऑफ मसल क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो हमारी बॉडी फोर्स लगाती है, जो बच्चों की बॉडी फोर्स लगाती है। जैसे अगर कोई बच्चा किक कर रहा है कोई बॉल को, तो उसका फोर्स किसके थ्रू लगेगा, उसके पैर के थ्रू लगेगा बॉल पे। तो ये सही चीज़ें किस में आती हैं, स्ट्रेंथ में आती हैं। थर्ड हमारा जो होता है वो होता है एंडोरेंस की। एंडोरेंस क्या होता है, बेसिकली एंडोरेंस जो होता है एक एबिलिटी होती है जो मेंटेन करती है हमारे सारी जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके एक्सटेंशंस को, जो भी हमने एक्टिविटी करी उसके एक्सटेंशन को क्या करती है, मेंटेन करती है। एंडोरेंस मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी क्षमता है, तो मेंटेन करने के लिए, बेसिकली मेंटेन करने के लिए बॉडी की एक्टिविटी एक्सटेंशंस को किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें एंडोरेंस की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी के अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि हम कोई चीज़ कर सके। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा है तो वो किसी भी चीज़ को जल्दी से उठा नहीं सकता है, लिफ्ट नहीं कर सकता है। बट अगर किसी बच्चे के अंदर एंड्योरेंस पावर ज़्यादा है तो वो कोई भी चीज़ को क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए एंड्योरेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा मोटर प्लानिंग, मोटर हमने पढ़ा कि मोटर क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट क्या है मोटर प्लानिंग की, मोटर प्लानिंग क्या होती है। बेसिकली ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है जो भी हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि किस चीज़ को हम किस तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जैसे किसी बच्चे को हम फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं,
ठीक है, आजकल क्या है कि बच्चों को पहले से ही मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और इसमें बोल दिया जाता है इससे सीखो इससे सीखो। पहले क्या होता था कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती थी, उन्हें खिलाया जाता था, ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करती थी उन्हें बाहर की चीज़ें, तब वो सीखते थे। अब तो है कि मोबाइल पकड़ा दिया है और भाई वीडियो देखते रहो। आजकल बच्चों के लिए वो सफ़ा नाम का एक कार्टून आता है यूट्यूब पे, जो बच्चे बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और एक्साइटेड होते हैं उसे देख के। तो बेसिकली ये तो है उन्हें उनके मेंटल चीज़ों को, जो मेंटली उन्हें अच्छे से चीज़ें सिखा सके। बट अगर कोई फिजिकल हेल्थ की बात है या फिर फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे तो वो किस में इंक्लूड होता है? मोटर प्लानिंग में। तो ज़्यादातर क्या होना चाहिए कि हमें मोटर प्लानिंग करनी चाहिए एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर जो भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स तरीके से बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, होप सो आप सभी को फैक्टर्स समझ आए होंगे कि मोटर डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है वेट ट्रेनिंग, कि बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए वेट ट्रेनिंग क्या होती है। अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं, कई बच्चे क्या होते हैं कि शुरुआत से ही 5 साल की उम्र से ही जूडो कराटे या फिर कुछ ना कुछ सीखने लग जाते हैं। ठीक है, बट कई बच्चे क्या होते हैं कि बाद में या फिर बहुत टाइम बाद चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने जो इमेज लिया वो इसीलिए लिया है ताकि आपको वेट ट्रेनिंग का, बच्चों में वेट ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा होता है वो सही चीज़ें मैं दिखा सकूँ। सबसे पहले वेट ट्रेनिंग क्या होती है? वेट ट्रेनिंग रेफर्स टू द फिजिकल एक्सरसाइज विच इन्वॉल्व्स लिफ्टिंग वेट्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मसल्स। मसल्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करवाई जाती है? फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं बच्चों के द्वारा, जैसे कि लिफ्टिंग ऑफ वेट्स, कुछ भारी चीज़ों को उठाना, जिससे कि उनकी जो मसल्स होती हैं, चाहे वो आर्म्स की मसल्स हो, नीज की या फिर थाइज़ की मसल्स हो, बॉडी पोस्चर हो, वो सही चीज़ें क्या हों, ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस हो उन सब की और वो सही चीज़ें इम्प्रूव हो सकें। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो हमारा वेट लिफ्टिंग का या फिर वेट ट्रेनिंग होता है, आजकल के ज़माने में बच्चों को शुरुआत से ही वेट ट्रेनिंग दे दी जाती है। जैसे आप किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस के बच्चों को देख ले तो उन्हें शुरुआत से ही जिम ले जाया जाता है जब वो 5 साल के या 3 साल के होते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आखिर अगर वो देखेंगे तभी चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसीलिए उन्हें ले जाया जाता है, बेशक से वो कुछ करते नहीं है वहाँ पे एक्सरसाइज, बट फिर भी उन्हें ले जाया जाता है। क्यों? ताकि वो देख देख के अपने आप को डेवलप कर सकें और सीख सकें। ठीक है, तो वेट ट्रेनिंग का इसमें क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी बच्चा अगर वेट ट्रेनिंग करता है, अपने मसल्स को इम्प्रूव कर सकता है, अपने बॉडी पोस्चर्स को इम्प्रूव कर सकता है। बॉडी पोस्चर्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ह्यूमन बींग के लिए। अगर आपकी, अभी हमारा आगे जो टॉपिक आएगा, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में मे बी शायद जो टॉपिक है हमारा वो बॉडी पोस्चर से रिलेटेड ही आए, क्योंकि इस चैप्टर में बॉडी पोस्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेट ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी बच्चे की मसल्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब इससे होता क्या है वेट ट्रेनिंग से? इट बिल्ड्स मसल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स। ये क्या करती है? हमारी मसल्स को मजबूत करती है और हमारी बोन्स को क्या करती है? स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, उससे आपकी मसल्स बिल्डअप होती हैं एंड बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी जो भी बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। सेकेंड, इट रिड्यूसेस एक्सेस बॉडी वेट। ये रिड्यूस करती है एक्सेस बॉडी वेट, मतलब कि आजकल जैसे हमने लास्ट चैप्टर में ओबिसिटी के बारे में पढ़ा था, है ना, कि ओबिसिटी क्या होती है, को जो बच्चों को या फिर किसी भी इंसान को बीमारी हो जाती है मोटापे की, मोटापा कह सकते हैं। तो आजकल क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं, ओबिसिटी के शिकार होते जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए वेट ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट बूस्ट कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है वेट ट्रेनिंग। जैसे दूसरों के सामने घबराहट हो जाती है या फिर बोलने का या फिर कोई काम करने का जी नहीं करता या कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट मेक्स अ चाइल्ड मोर कम्पिटिटिव। किसी भी इंसान को या किसी भी बच्चे को कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वेट ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग के थ्रू बच्चे के अंदर कॉम्पिटिशन की भावनाएं आती हैं कि अगर वो इतना बेहतर कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पाती, मतलब कि इम्प्रूवमेंट जो है वो आती है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट आती है ताकि कोई भी बच्चा अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है या फिर और सारी चीज़ें। और कंपटीशन में तो बच्चा पार्टिसिपेट करना वैसे भी ज़्यादा पसंद करता है, छोटी छोटी चीज़ों में बच्चा पार्टिसिपेट करता है, तो इसके थ्रू जो चाइल्ड है वो मोर कॉम्पिटिटिव हो जाता है, उसकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती है। सो गाइज, आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, मतलब आज की जो वीडियो थी यहीं तक थी वेट ट्रेनिंग तक। नेक्स्ट क्लास में हम वेट ट्रेनिंग के पार्ट्स करेंगे एंड किस किस टाइप के क्या क्या पोस्चर्स होते हैं वो सही चीज़ें पढ़ेंगे। होप सो जितना आप सभी को समझाया है वो सब आपको समझ आया हो। ज्वाइन कीजिए हमें इन सारे हैंडल्स पर, इनका जो हैंडल्स है वो आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।